गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर फाइव देखेंगे। हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर टू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। क्लास सिक्स का हम चैप्टर फाइव, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हम लोग सेपरेशन कैसे करेंगे किसी भी सब्सटेंस का, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है थ्रेसिंग। इसमें अनाज को ज़मीन पर पीट पीट कर उसके तिनके से अलग किया जाता है। थ्रेसिंग ये प्रोसेस है, इसमें हम अनाज को ज़मीन पर पीट पीट के इसको तिनके से, अनाज में जो तिनका होता है उससे हम अलग करते हैं। आप लोगों ने ये अपने देखा होगा अपने गांव में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विनोइंग, फटकना। जैसे हम लोग के घर में आप लोग देखे होंगे मम्मी कैसे सूप में फटकती है अनाज को। उसमें क्या होता है कि अनाज में कुछ भी कंकर होता है या फिर भूसा वगैरह होता है तो उस तरह से फटकने से अनाज से वो ज़मीन में गिर जाता है और हमें जो फ्रेश अनाज है वो मिल जाता है। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। इसमें वही लिखा हुआ है कि विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग हैवियर और लाइटर कंपोनेंट, किसी भी मिक्सचर का हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को हवा के द्वारा अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेडिमेंटेशन। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी भी चीज़ में, कोई मिक्सचर है, अगर हम लोग उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो जो मिक्सचर होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा पानी की तली में। जैसे अगर हमने बालू लिया है उसे हम एक ग्लास में डालेंगे फिर उसमें पानी डालेंगे तो जो बालू होगा वो क्या होगा, ग्लास के सरफेस पे, सतह पे बैठ जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जब अगर हमने सैंड लिया था ग्लास में और उसमें वाटर डाला था तो सैंड जो था वो गिलास के तली में, सतह में बैठ गया था। उसके बाद हम लोग उस गिलास से पानी को अगर दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलेंगे। इसमें तो जो डस्ट है वो सेपरेट हो गया, बालू अलग गिलास में रह गया और फिर वाटर जो है वो नेक्स्ट ग्लास में चला गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन हम लोग जानते हैं वाष्पीकरण, कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इंटू इट्स वेपर। जब पानी जो होता है वो अपने वेपर में, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, इसे, इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। जैसे अगर हम कभी पानी बॉयल कर रहे हैं तो वो जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे उसका वो भाप बन के उगने लगता है, इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। जो वाटर वेपर होता है उसको उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। जब हम लोग गर्म करते हैं पानी तो हम लोग देखते हैं कि भाप जो हो, पानी जो होता है वो भाप बन के ऊपर उठने लगता है और उसके बाद अगर हम लोग उसको किसी ढक्कन से ढक देंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस ढक्कन के सरफेस में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होके फिर से क्या लिक्विड फॉर्म में वो बनने लगा, इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे। हम लोग इस तरह से हम लोग का चैप्टर का समरी जो था वो कंप्लीट हुआ। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर फाइव में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसे हम लोग ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा इसमें और कोई पॉइंट नहीं है, इस आपको और कोई फर्दर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये नोट्स कंप्लीट होता है। थैंक यू।